गावट पत्र मुद्राएं हैं। पुनः 51 पत्र मुद्राएं कुलदीप जी मिश्रा उनकी ओर से बार बार लगातार हम कलाकारों का उत्साह वर्धन हो रहा है। वाह हाथों में चाबुक ओठों पे गालियां बड़ी नखड़े वालियां होती है तांगे वालियां क्यों क्यों कोई तांगे वाली जब टूट जाती है तो एक दो तीन होगा रही है मामा। लाइन आई क्या लाइन मिश्रा जी नारी निंदा ना करो नारी नर की खान नारी से नर हो तो है क्या बात ध्रुव प्रहलाद समान क्या बात है क्या बात है प्रहलाद जी की याद दिला दी कितना अच्छा समझाते हैं आप क्या बात क्षमा और सील की आज अलग हट के बजा रहे हैं क्षमा और सील की सूरत है नारियां बस और ममता और प्यार की मूरत है नारियां आदरणी आदरणी नारी से प्रेम जब बढ़ जाता है तो राम बनवास हो जाता और क्या बात है नारी से प्रेम जब हट जाता है तो भक्त तुलसीदास हो जाता
मिश्रा जी। नारी से प्रेम जब बढ़ जाता है तो राजा दशरथ की तरह राम वनवास हो जाता है। और नारी से प्रेम जब हट जाता है तो भक्त तुलसीदास हो भक्त तुलसीदास हो जाता है। कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, बढ़िया आदरणीय सम्मानीय पूजनीय बड़े भाई श्री विपल व्याकुल जी के माध्यम से बहुत बढ़िया भैया। आप बढ़िया गा रहे हैं, बढ़िया आपका कार्यक्रम चल रहा है, बढ़िया, लेकिन मंडल आपका ठीक नहीं है। आपके मंडल में कभी आपके मंडल में अनुशासन नहीं है। यूट्यूब चैनल चल रहा है, बिल्कुल बाद में बहुत सारे कमेंट आएंगे, ओके, और यदि आपको विश्वास न हो तो मेरे तमाम सारे कार्यक्रम पड़े हुए हैं या अन्य कलाकारों को पड़े हुए हैं जो पीछे से ज्यादा स्वर बचाते हैं, अनर्गल बोलते हैं, तो उसमें कमेंट लिख करके आते हैं। और कैसे कैसे कमेंट आते हैं जब आगे आप सर्च करिएगा तो उसमें देखिएगा। बहुत बढ़िया आपने गाया है, बहुत बढ़िया। मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि आप बड़े भाई हैं। और क्या, आप बड़े भाई हैं, लेकिन श्रीमान जी बड़े भाई आप मंच के नीचे हैं। जब तक मंच बैठे तब तक आप हमारे दुश्मन हैं, बिल्कुल, क्योंकि जवाब ही मंच है। इसमें हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सुनेगा गर सियासत के अंधेरों में उलझ जाए। हेलो हेलो ऑटोमेटिक गर सियासत के अंधेरों में उलझ जाओगे सदा रोओगे और पछताओगे। मेरा दावा है सदा रोओगे पछताओगे। तोड़ो मंदिर तुम्हें रहमान कभी ये कहता है, मस्जिद तुम्हें भगवान कभी ये कहता है। बात तो तब है हर एक से मोहब्बत कीजिए, कोई भी धर्म हो हर धर्म की इज्जत कीजिए। भैया कीर्तन, हेलो हेलो, मैं माइक बढ़ा दो भैया थोड़ा सा। कीर्तन है ये, कीर्तन है, कीर्तन बहुत मेहनत का सब्जेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत मेहनत का सब्जेक्ट है। लोग कह देते हैं मैं 40 साल से गा रहा हूं, अरे गा तो रहे हैं, गाना तो बाथरूम की सिंगर होता है बचपन से गाता रहता है, लेकिन ये जो कीर्तन विषय है, कीर्तन विषय बहुत मेहनत का है, बिल्कुल। आपने एक बात पे टिप्पणी कर दी, परवाना जी मेरा गीत कह रहा था काली लच
लक्ष्मी सरस्वती और डाकू वाली बात नहीं है, सब पर कृपा है। अच्छा मैंने क्या कहा था? आपका गाना गाना और मेरा जवाब ही। मैंने क्या कहा था? मैंने यही तो कहा था, काली लक्ष्मी सरस्वती जिन तीनों पिंडियों को मिलाया गया तो एक रूप बना माता वैष्णो का। बिल्कुल। और माता वैष्णो की कृपा, आपने कहा अमित साहब पे कौन कृपा हो गई? क्यों नहीं, आपने ध्यान से सुना रही है। मैंने कलाकारों के भी नाम लगाए थे, अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, आदान किक्कर, ये सब नाम नहीं आ रहे थे? क्यों नहीं, प्रमात्मा सम्मान श्री अखिलेश शुक्ला बिंद की आपकी ओर से 101 रुपए है। लक्ष्मी शंकर द्विवेदी बिंद की आपकी ओर से ये 101 रुपए है। 101 रुपए आदरणीय हमारे दादा की ओर से, ये सब काम का दाम है। आदरणीय दादा की ओर से भी 51 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने कहा अमित शाह पर कौन सी कृपा हो गई? अच्छा क्यों नहीं हो गई? क्यों नहीं हो गई? क्यों नहीं? यदि कृपा सोनू निगम पर हो सकती है तो क्या अमित शाह पर नहीं हो सकती है? क्यों नहीं? योगी आदित्यनाथ पर नहीं हो सकती है? क्यों नहीं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर नहीं हो सकती है? जी हाँ, वही तो मैंने कहा था। और आपने कहा सरस्वती कृपा किस पर हो गई? आपने सुना रही है, आपका ध्यान था ही नहीं, क्योंकि आपको शुक्ला जी बहला रहे थे। आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस है नहीं, बस वो शुक्ला जी जो लिख रहे हैं वोट पटांग वही आप जो है बोल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ मैं कहूंगा नहीं, आप स्वयं समझदार हैं, लेकिन जो उत्तर आए आपकी तरफ उसको ध्यान से सुनिए आखिर मैं क्या कह रहा हूँ। आपने कहा सरस्वती की कृपा किसकी? मैंने कहा जगजीत सिंह, अनूप जलोटा, नादान किक्कर, इन पर सरस्वती की कृपा हुई। बिल्कुल। और यदि देखा जाए तो माता वैष्णो पर शुक्ला जी अच्छा है। एक मैंने गीत दिया था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था गीत में कुछ है। बिल्कुल। खेल ही खेल में सूर्य को अपने मुख में रखने वाले, खेल ही खेल में वो मुद्रिका मुख में रखने वाले, खेल ही खेल में चक्र को अपने मुख में रखने वाले। ये विशेष बात थी। आपने कहा खेल प्रभु के निरारे, देश बदलने वाले, पास में जाकर वापस आकर भेद बताने वाले। क्या बात है बिमल भैया, सोचिएगा विचार करिएगा मेरे गीत में, गीत में क्या था? एक क्रिया चल रही थी मुख में रखने वाले, तीन जगह मुख का प्रयोग है। सूर्य को मुख में रख लिया, मुद्रिका को मुख में रख लिया, चक्र को मुख में रख लिया। आपने कहा भेद बताने वाले, तमाम सारे ऐसे भेद है बिमल भैया, कहे तो मैं 10-20-50 भेद बता दूं। और क्या, जो हनुमान जी ने भेद खोले, अभी भेद खोले, तमाम ऐसे भेद खोल दिए जो प्रभु राम स्वयं नहीं जान पाए। एक भेद मृतक सीता का रूप बना करके वो राक्षसी जा रही है, प्रभु राम परेशान हो गए, अरे मैं जिसके लिए युद्ध कर रहा हूँ वो तो बहती हुई जा रही है, मेरी सीता वो कौन थी? नोट कर लीजिए, हो सकता है शुक्ला जी को ना मालूम हो, वो थी पैंच काया। शुक्ला जी वो पैंच काया थी जो मृतक सीता का रूप बना करके बहती हुई प्रभु राम के सामने से जा रही है। ये हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु परेशान मत हो, ये अरे ये मेरी माँ सीता नहीं है, अरे ये तो राक्षसी है, ये पैंच काया है। ये ऐसे तमाम सारे भेद है जो भेद उन्होंने बताए। और क्या, भरतलाल जी को सुनाया जाकर के संदेश, भेद बताने वाले, विभीषण को भेद बताने वाले। बस हो गया जवाब, हो गया। अरे बेटा कुछ पढ़ो लिखो। हाँ शुक्ला जी, तुमको कुछ नहीं आता, दो पैसे की तमीज नहीं है, कलम तोड़ के खा जाओगे। शुक्ला जी मैं भी भेद खोल सकता हूँ? अरे लेखनी करने के लिए कुछ त्याग चाहिए, क्या त्याग किया है तुमने?
लेखक बने घूम रहे हैं, आई एम राइटर। गुरु को बहलाइए नहीं, पहले गुरु बनाओ लेखक, उसके बाद में लेखनी करो। भेद बताने वाले जवाब हो गया, मेरी क्रिया चल रही थी मुख में रखने वाले, मुख में रखने वाले, मुख में रखने वाले, तीन जगह तीन अलग अलग चीज, एक क्रिया दिया। भेद तो तमाम सारे हैं, ऐसे तो 10-20-50 भेद बता दिए। खैर ठीक है, जो आपने जवाब दिया है अच्छा है, और क्योंकि आप श्रेष्ठ कलाकार हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये आपके जो मंडल वाले हैं ना, मंडल को चेंज करिए, बढ़िया मंडल रखिए, थोड़ा पैसा अधिक लीजिए, पैसा थोड़ा बढ़ा करके लीजिए कमेटी से, और जब आप काम देंगे तो आपको काम मिलेगा। बिल्कुल, काम का दाम है। ऐसे मंडल लिए घूमेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। और क्या, बढ़िया मंडल के बढ़िया लेखक, बढ़िया बाद, बढ़िया कोरस वाले, काम मिलेगा। और बदल दो, इधर उधर उधर कर लो। हाँ हाँ, एक गीत आपने गाया, अरे हाथ बेचा बुक, ये क्या हाथ है बेटा, रूठ जाती है तो पूरी कनमसीन हो जाती है, समझो, हाथों पे चाप होठों पे करिए। सिर्फ धुन बता रहे हैं हमारे दादा श्री मिश्रा जी की ओर से, ये 51 रुपए। मैं आपके चरणों में बार बार नमन करता हूँ, लगभग 6 सालों से आपका आशीर्वाद मिल रहा है, मैं सदैव आकांक्षी हूँ आपके आशीर्वाद का, ऐसी कृपा आप बनाए रहे। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो डबकीन हो जाती है, कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो एक दो तीन हो जाती है, एक दो तीन हो जाते हैं, एक दो तीन हो जाते हैं। बढ़िया, आपने खंड गीत दिया है, भक्त तुलसीदास होता है, हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, भक्त तुलसीदास हो जाता है और राम वनवास हो जाता है। ये क्या बात, एक विरोधाभास आपने दिखाया है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भैया। अब देखिए ना, यहाँ तो लेखक है, मजबूरी तो यही है, जो लिखना है हमें को लिखना है, जो गाना है हमें गाना है, जो बजाना है, बड़ी मेहनत पड़ेगी, थोड़ी दया करो हमारे ऊपर, बड़े भाई हो आप तो पिछोर हो, थोड़ी दया बनाए रखो, लेकिन मंडल बदल दो। शुक्ला जी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखिए जवाब आखिर होता कैसे है, सुनेगा पला तरवार देखो, पड़ा तेरे वाद देखो, होता ये मर्द
क्या बात है और क्या। अरे जब एक घर का मुखिया घर से बाहर निकलता है कितनी जिम्मेदारियां होती है, कितनी जिम्मेदारियां होती है। ऐसे निर्वाह करता है घर में विवाद हो जाए, पत्नी तो नाराज होकर रोड के लेट जाएगी, लेकिन पति वो लेटेगा नहीं, अपने कर्म का अपने फर्ज की अदायगी करेगा। बिल्कुल, भले नाराज हो जाए कुछ भी, लेकिन वो अपना काम करेगा, फर्ज की अदायगी करेगा। ये होता है मर्द, क्योंकि हर दर्द सहने के लिए मर्द का सीना चाहिए। जीवन है चार दिन का, सांड से जीना चाहिए। अगर जल जाए कोई गर्भ गर्भ दूध से, उसे मट्ठा भी फूंक कर पीना चाहिए। एक बात समझ में आएगी शुक्ला जी। समझो मर्द का सीना चाहिए। आदरणीय सभापति मनीष तिवारी टूटा, आपकी ओर से ये एक से एक रुपए है। आदरणीय भैया मनीष भैया को मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सुनेगा बड़ा तैरवाड़ देखो होता ये मर्द है, और पूरे परिवार का होता हम दर्द है, लेकिन ईश्वर से काबड़ा, ईश्वर से काबड़ा जब बढ़ जाती है तो भक्त रविदास हो जाता है। ये है, ये है मेहनत। अगर चंगा तो कठौती में गंगा। ईश्वर से कामना जब बढ़ जाती है तो रविदास हो जाता है। ईश्वर से लेकिन पाया से कामना जब, पाया से कामना जब घट जाती है तो भक्त सूरदास हो जाता है। क्या नारी को देखा, नारी को देखा, मौ जागृत हो गया। सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली। बिल्कुल, ये क्या हो रहा है। इसलिए माया से, माया से कामना जब घट जाती है तो भक्त सूरदास हो जाता है।